हे प्रेमी परमेश्वर, शक्तिशाली ईश्वर, आपकी शक्ति पर आसरा रखते हुए आपके प्रेम का अनुभव करने, आपके साथ एक हो जाने, हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सारे सृष्टियों के साथ, सारे विश्व के प्रतिनिधि होकर आपके सामने हम आज देखिए हम आ पहुंचे हैं। हम बिताना चाहते हैं आपके साथ कुछ पल। यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित दिव्य प्रभु, परम दयालु प्रभु, आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हे प्रभु जी, आज जब मैं आपकी उपस्थिति में मैं उपस्थित हूं, मुझे सिर्फ एक आग्रह है। मैं अपने आप को परख रहा हूं, जान रहा हूं कि मुझ में विश्वास की कमी है। मैं विश्वास में बढ़ना चाहता हूं प्रभु। मेरे दैनिक जीवन के अनुभव में छिपी आपकी बड़ी योजना को समझने के लिए मैं असमर्थ हूं। इसका एकमात्र कारण यही विश्वास की कमी है। बीमारों के अवसरों पर, टुकराए जाने के अवसरों पर, अकेलेपन के अवसरों पर सब कुछ सारा नष्ट हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। ऐसे सोच के साथ, प्रकार के विचारों के साथ जब मैं थक जाता हूं ना प्रभु, मैं जान पाता हूं कि यह इसलिए है कि मुझ में विश्वास की कमी है। आज मैं आपसे दुआ करता हूं प्रभु जी, दिल से आग्रह करता हूं, मुझे विश्वास में बढ़ाइए, मेरे विश्वास की कमी को दूर कर प्रभु, मेरे विश्वास की कमी को दूर कर। इतिहास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9 मुझे याद दिला रही है, यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। हाँ प्रभु जी, मैं विचलित हो जा रहा हूँ इसलिए कि मुझ में विश्वास की कमी है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश है, जो अटल है और सदा बना रहता है। स्तोत्र ग्रंथ 125 पद संख्या 1, प्रभु जी मैं उस सियोन पर्वत की तरह, प्रभु जी मैं अटल रहना चाहता हूँ, चाहे आंधी तूफान क्यों न आ पड़े, प्रभु जी मेरा घर उस पर्वत के ऊपर बनाए हुए घर की तरह बना रहे। मैं और मेरा परिवार दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ प्रभु जी सियोन पर्वत की तरह अटल रहे, मैं आपसे अर्जी करता हूँ। यही मेरी अर्जी है प्रभु जी, मेरे विश्वास की कमी को दूर कर, मुझे विश्वास के नेत्रों से तेरे आगमन के लिए तैयारी करना सिखाना प्रभु जी। मैं चाहता हूँ प्रभु जी, हाँ मैं दिल से चाहता हूँ प्रभु जी कि मैं विश्वास के नेत्रों से तुझे देख पाऊँ प्रभु जी। यूक्रिस्तीय संस्कार में छिपी हुई आपकी अदृश्य कृपाओं को जानने, अनुभव करने मुझसे नहीं हो पा रहा है प्रभु जी। इस रोटी में उपस्थित प्रभु, परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु, ये रोटी नहीं तेरा शरीर है। कई बार मैं सुना हूँ प्रभु जी, लेकिन कभी कभी मुझे यकीन नहीं हो पाता है प्रभु जी, मैं विश्वास नहीं कर पाता हूँ, और जिसके चलते आपके वेदी के सामने आकर मेरी थकावट को दूर करने मैं चाह कर भी मैं नहीं आ पाता हूँ, मैं पहुँच नहीं पाता हूँ। यूक्रिस्तीय संस्कार में भाग लेने में मैं चुक जाता हूँ इसलिए कि मुझे विश्वास नहीं, मैं सोच में रह जाता हूँ क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या लाभ। प्रभु जी विश्वास में दृढ़ता दिलाइए ना प्रभु जी, प्रभु जी विश्वास में दृढ़ता दिलाइए ना। उस औरत की तरह जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, प्रभु जी उसमें कितना विश्वास था कि वो देख रही है कितना भीड़,
और वो यीशु तक तो पहुंच नहीं सकेगी, दूर की बात, मगर यदि मैं उसके पल्लों को छू लूं, इतना भी काफी है, मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। प्रभु जी, आज मैं तुझे छूना चाहती हूँ, उस विश्वास के नेत्रों से प्रभु जी मैं तुझे छूना चाहता हूँ। प्रभु जी मुझे छू, तेरा स्पर्श का एहसास दिला, तेरे स्पर्श का आनंद दिला। प्रभु जी मैं मेरे रोग की अवस्था को, मेरे शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक पीड़ा को तेरे सामने रखता हूँ। प्रभु जी मैं तुझे छूना चाहता हूँ। I want to touch, Lord, touch. Lord, give me that touch. Oh Lord, I need your touch. Jesus, छू, छू प्रभु जी, मुझे छू ले, मुझे विश्वास दिला, मुझे विश्वास दिला, मेरे विश्वास की कमी को दूर कर प्रभु जी। हे विश्वस्त दाता प्रभु, मेरे विश्वास की कमी को दूर करने फिर आ जा प्रभु जी। इस युक्रिस्त में उपस्थित प्रभु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो। मैं हमेशा विश्वास में आगे बढ़ता जाऊं और इस विश्वास का साक्षी बना रहूं, औरों को भी विश्वास की ओर ले चलूं। प्रभु आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो। धन्यवाद।